करहल जो विधानसभा की सीट जो खाली हुई है, सपा सुप्रीमो ने लोकसभा के सांसद बनने के बाद में इस्तीफा दिया है, जिसके बाद में करहल में उपचुनाव होना है। कल समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया था प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने, आज उसकी ऑथेंटिक घोषणा हो गई है। तेज प्रताप यादव जी मेरे साथ हैं जिनका टिकट फाइनल, उनसे जानेंगे कि करहल को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, चाहे वो प्रदेश के मिनिस्टर हो या केंद्र के मिनिस्टर हो, लगातार डेरा डाले हुए हैं। इस किले को कैसे आप फतह करेंगे? करहल जो है बहुत समय से और जब से शुरुआत हुई आजादी के बाद राजनीति की, तब से लगातार समाजवादी विचारों का और समाजवाद के प्रति लगातार संकल्पित रहा और नेताजी से समाजवादी पार्टी से जुड़ाव जो करहल का रहा, उसी का नतीजा है कि हर चुनाव में समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। और इस चुनाव में लोग भाजपा को हटाने के लिए, भाजपा के खिलाफ, उसकी नीतियों के खिलाफ, और जिस तरह से प्रदेश में अराजकता का माहौल है, डर का माहौल है, उसके खिलाफ वोट करेंगे। और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से रिकॉर्ड मतों से अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव जिताया था, ठीक उसी तरीके से चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुत अधिक मतों से चुनाव जीत के जाएगी। अभी हाल ही में दो स्टेट में चुनाव हुए हैं, कांग्रेस को एक स्टेट में जीत मिल गई है, एक स्टेट में जहां गठबंधन किया था वहां जीत हासिल हो गई है। जहां गठबंधन नहीं किया था, कांग्रेस का अहंकार था क्या, कांग्रेस को भी सीखने की जरूरत है? ये कहीं ना कहीं रणनीति में चूक रही होगी और यहाँ तक सारे एग्जिट पोल इस बात को बता रहे थे हरियाणा में बीजेपी हारेगी, कहीं ना कहीं रणनीति को चूक रही होगी, इसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। बाकी उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव में है और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया, उस तरीके से 10 जो चुनाव है 10 विधानसभा में, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी, क्या समाजवादी पार्टी जो लोकसभा के चुनाव में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ी थी, क्या वो उपचुनाव में भी गठबंधन के तहत वो चीज देखने को मिलेगी या बिल्कुल गठबंधन के साथ और पीडीए के साथ में ही चुनाव होगा और फिर से जनता का जो भरोसा है समाजवादी पार्टी।